रायपुर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना अब शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने कहा है कि शिक्षा में संरचनात्मक सुधार किया जाना बिना शिक्षा नीति बनाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बेसिक साक्षरता और बेसिक न्यूमरेसी पर फोकस किया गया है और पाठ्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे में संकाय का कोई अलगाव न रखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। चटर्जी ने यह भी बताया है कि नई शिक्षा नीति के तहत तो बोर्ड परीक्षाएं लो स्टेक वाली होंगी और छात्र के वास्तविक ज्ञान का आकलन करने वाली होंगी और रिपोर्ट कार्ड प्रतिभा एवं क्षमता की विस्तृत रिपोर्ट देने वाले होंगे, केवल नंबर बताने वाले नहीं होंगे। देश हो या प्रदेश में किसी भी नीति को लागू जमीनी स्तर पर कर लेना बड़ा कठिन काम होता है। कमरों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर आप नीति जरूर बना सकते हैं, लेकिन फील्ड में इसको क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षक ही सबसे सशक्त माध्यम है। हमको उनके सेवा शर्तों को भी ख्याल में रखना चाहिए। नीति में स्पष्ट होना था कि शिक्षकों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो,